प्रेस वार्ता कर रहे, क्या कुछ कह रहे, चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। निर्माण में एक नई क्रांति के युग का दर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट सोच कि किसी भी देश के विकास में, विकास की यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मात्र परिचालन का साधन, मीन्स ऑफ नेविगेशन होने के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ का माध्यम होता है। जैसा हमने पढ़ा होगा अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का कथन कि अमेरिका आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, इसलिए अमेरिका की सड़कें बेहतर हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। हकीकत यह है कि अमेरिका की सड़कें बेहतर थी, इसलिए अमेरिका आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो सका। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को विकसित बनाने का जो लक्ष्य 2047 तक का लिया है, बेशक उसका उद्घोष 2023 में किया होगा जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा था, आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे, लेकिन ये सत्य सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी तैयारी 2014 में सरकार संभालने के साथ ही उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की इस श्रृंखला में, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न घटक रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, डेटावेज, एनर्जी और सैटेलाइट, इन सारे फ्रंट्स पर सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर के नवनिर्माण की एक क्रांति इस देश में चल रही है। बीते 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर 34 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार ने खर्च किया है। पिछले एक साल में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर किया था, जो यदि मैं 2013-14 की तुलना में देखूं तो उससे कई कई गुना अधिक है। इस वर्ष भी बजट के घोषणा में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर माननीय वित्त मंत्री जी ने 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और सामान्यतया यदि हम आर्थिक जगत की परिभाषा या उनके आकलन के अनुरूप अध्ययन करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पर की गई खर्च की गई राशि का उस साल की जीडीपी पर 2.45 टाइम्स